फ्रेंड्स, ज्योति ड्रीम्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी का कारण आप लोग भी हैं, क्योंकि गाइस मेरे यूट्यूब पे हो गए हैं 7000 की फैमिली कंप्लीट और 7000 प्लस हो चुकी है। तो ये सारा श्रेय आपको, मेरी फैमिली को, मेरे चाहने वालों को जाता है। सो गाइस, ऐसे ही कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, एंड हम बहुत जल्दी धीरे धीरे अपना जो है सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे। एंड गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये कल ही हो गया था, लेकिन मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो है घर अभी शिफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। पूरा टाइम बस काम करो, ये चीज़ यहाँ लगाना है, ये चीज़ वहाँ लगाना है, ये सारे चीज़ों में ही अस्त व्यस्त थी। अभी 70% हमारा काम हो चुका है, लेकिन हाँ, थोड़ा डेकोर वगैरह बाकी है, क्योंकि दिवाली नज़दीक है, तो इसीलिए वो सब काम थोड़ा सा बाकी है, वो धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मेरा कोई वीडियो जा नहीं रहा है, कम से कम इतना तो मैं अपनी फैंस लोग को इतना तो बोल सकती हूँ ना कि थैंक यू, बिग थैंक यू गाइज। आप लोग के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो आजकल मेरे वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच। एंड अब मैं और अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। एंड बहुत अच्छा लगा गाइज, कल मैं इतना ज़्यादा खुश थी, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान भी थी कि घर में, क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन है, ऊपर से इतना ज़्यादा काम रहता है, और आपको पता है मेरे चार चार बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड किसी बच्चे से कम नहीं है, लेकिन हम दोनों ने मिलकर इस घर को पूरा सेट किया, पूरा इलेक्ट्रिक का काम कर रहे थे, और मैं पूरा घर को अच्छे तरीके से रख रही थी। वो सब थोड़ा सा मैं आपको वो लुक दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर में क्या क्या नया चीज़ लाया है और क्या क्या चीज़ डिस्कार्ड किया है, वो थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊँगी। गाइज, जब भी आप कहीं पर शिफ्टिंग करते हो, तो सबसे पहले उस घर को फर्नीचरिंग वगैरह जो भी करवाना है, लाइटिंग, ये फैन और जो भी ड्रिलिंग का काम है, वो आप पहले से करवा लो, ताकि आप अगर कहीं से सामान कहीं से लेकर आते हो तो आप फटाफट उसमें जो है लगा दो। जैसे कबर्ड है तो कबर्ड का सामान फट से लगा दिया, और हैंगर वगैरह है तो हैंगर का कपड़ा इधर लगा दिया, मतलब जो ड्रिलिंग का काम है वो पहले हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमने अभी डे बाई डे कर ही रहे हैं, और बहुत सारा कुछ अभी बाकी है, और मैं आपको सारा फाइनल लुक दिखाऊंगी बाद में। अभी भी हमारे घर में भी बहुत सारा चीज़ बाकी है, डेकोर वगैरह बाकी है, वो सब धीरे धीरे करूँगी तो, और आपके साथ शेयर भी करूँगी। सो गाइज, ये रहा मेरा किचन। ये मैंने बहुत ही प्यारा सा मीशो से ये मंगाया था, जो कि बहुत सुंदर है। ये 5 का सेट है, और मैंने इसे अपने कॉर्नर पे रखा है, और बच्चे भी इससे दूर रहेंगे, और इसीलिए मैंने इसे थोड़ा दूर रखा है। और ये मेरे शिव जी, ये तो पूरा टाइम मेरे सांसों में रहते हैं। और यहाँ पर मैंने कॉर्नर रैक लगाया है, और इसमें थोड़ा सा लाइटिंग करवाना बाकी गाइस, क्योंकि यहाँ पर पीछे लाइट है, मुझे आगे फ्रंट पे लगाना है। और यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा दिया है स्टैंड के बाजू में, क्योंकि पानी वगैरह गिरेगा। मैं सोची हूँ ज़्यादा दीवार में नेलिंग वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि दीवार में जितना नेलिंग कर दो ना, उतना ज़्यादा फिर गंदा लगता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कम चीज़ों को रखना प्रीफर किया है इस बार। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल के रखे हैं, मैं इस बार शिफ्टिंग के दौरान इतना ज़्यादा बर्तन धोई हूँ ना गाइज, इतना बर्तन धोई हूँ ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजर्स थे, जितने भी मेरे सब प्लास्टिक के सब कंटेनर्स थे, सारे को मैंने वॉश करके ही रखा है। मतलब फिनिशिंग, मतलब मैंने इस बार का जो शिफ्टिंग है ना, बहुत दिल से किया है, और एक एक चीज़ को कोशिश की है कि मैं साफ़ सुथरा रखूं। और यहाँ पर फ्रिज के टॉप पे मैंने ये अचार का ये रखा हुआ है, और यहाँ पर स्पून रखा हुआ है, और यहाँ पर ये भी मैंने जो है मीशो से मंगाए थे, ये सब DIY करने के लिए मैंने मंगाया है। और ये है डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के लिए, ये एक मैंने ये बोलते ना, बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आती है। और ये रहा मेरा फ्रिज को भी मैंने फुल्ली ऑर्गेनाइज किया है, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये रहा मेरा किचन के जस्ट बाजू में हमारा डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया में मैंने काव्या और युवराज का जो है टाइम टेबल लगा के रखा है। सो ये है किचन का पार्टीशन, और यहाँ पर मैंने मिक्सर और पानी गर्म करने वाला रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। और यहाँ पर मैंने जो है इस एरिया को मैंने सेपरेट रखा है, क्योंकि ये डाइनिंग एरिया है, तो मैंने इस एरिया को सेपरेट रखा है बच्चों के पढ़ाई वगैरह करने के लिए। अगर घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो इस तरीके से मैंने ये एरिया को अलग रखा है।
और यहाँ पे एक सेंटर टेबल है, आप देख सकते हो। मैं ऐसे आपको फटाफट बता रही हूँ और एक अलग वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। और वहाँ पे कॉर्नर में मेरे भगवान जी है, मेरे भगवान जी को भी ऐसे तरीके से डेकोर कर दिया है। वहाँ पे मेरा बड़ा सा स्पीकर है और यहाँ पर है टीवी यूनिट। तो चलते हैं अपने बेडरूम में, बेडरूम में आपको दिखाते हैं। बेडरूम में बहुत सारा कचरा है क्योंकि आज ही एसी फिटिंग हुई है, उसको भी मैं मुझे भी क्लीन करना है, सो इग्नोर कीजिएगा। सो यहाँ पर मेरा एसी फिट हो गया है और यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा सा कचरा है, उसे उठाना बाकी है। और यहाँ पर ये हमारा बेड, प्यारा सा बेड। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने ये स्टील का बेड लिया था और एक कबर्ड लिया था। सो दो चीज़ थी शादी के टाइम जब मैं शादी करके आई थी, तो ये वही बेड है। और ये बेड मैं कभी नहीं बेचने वाली हूँ, ये कितना भी टूट जाए मैं इसे सोच रही हूँ मेरे पास ही रखूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्टील का बेड है। सो यहाँ पर एक सोफा है और वहाँ पे एक बड़ी सी चेयर है। सो चलते हैं दूसरे वाले रूम में। बहुत कुछ कर रही हूँ गाइस, लेकिन अभी बोलते हैं ना सेट ही नहीं हो रहा है अच्छे से। और यहाँ पर एक टेबल है, टेबल पे आप बहुत सारा कपड़ा देख रहे होंगे, अभी इसे कबर्ड में रखना है। और यहाँ पर ये मेरी बड़ी सी अलमारी, और यहाँ पर भी एक टेबल है, और इस तरीके से उधर बालकनी है, और उसके बाजू में जो है मेरा बाथरूम है। सो गाइज, ये रहा आज का हमारा होम टूर, नॉर्मल होम टूर। और पर्टिकुलर मैं एक इसका अलग एक वीडियो बनाऊंगी, एंड जो भी थोड़े बहुत ड्रिलिंग के काम थे, जैसे ये फ़ोटो और वो फ़ोटो और ऐसे कुछ कुछ फ़ोटो फ्रेम्स थे हमारे, तो उसे मैं चाहती थी, मेरी फैमिली पिक्स है तो उसे मैं जो है अपने घर में लगाऊं, उसको मैं डिस्कार्ड नहीं करूं, क्योंकि फ़ोटो तो ख़राब हो चुके हैं गाइस, लेकिन फ़ोटो को मैं न्यू फ़ोटो से रिप्लेस करूंगी, क्योंकि एक दो और फ़ोटो फ्रेम है। तो काव्य, आपको यहाँ अच्छा लगता है? काव्य को अच्छा लगता है, सुबह से यहाँ पर खेल रही है ये, और वंस गाड़ी भी चला रहे थे। सो गाइस, यही कुछ है। और ये रहा मेरा, मेरी मम्मी का दिया हुआ अचार, जो कि मैंने इसे सेंटर टेबल पे रखा हुआ है और डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। रोज़ मैं खाती हूँ और रोज़ मम्मी को याद करती हूँ। सो गाइस, फिर से आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। और हमारा जो है 7000 की फैमिली क्रॉस कर चुकी है, अब धीरे धीरे 8, 9, 10 ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। मेन होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप YouTube पे, आज मैं अपने फैंस को बोलना चाहती हूँ, अगर जो लोग YouTube पे आना चाहते हैं, जो भी लोग YouTube पे आना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, टेक वीडियो हो गया, मेहंदी आर्ट, बहुत सारे इसमें कैटेगरी होते हैं, तो आप कोई भी कैटेगरी चूज करके अपना वीडियो डाल सकते हो। लेकिन गाइज, पहले आप अपने दिल से पूछो, सच में आप इसके लिए तैयार हो? आप रेगुलर ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कि कर सकते हो? पहले आप अपने आप को समय दो, एक हफ्ते का, दो हफ्ते का पहले समय दो, आप सच में रेगुलर वीडियोस डाल पा रहे हो? क्योंकि अगर आप रेगुलर वीडियोस नहीं डालोगे तो आपका जो है धीरे धीरे ना आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, एंड आपके जो फैन की इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालते रहें, नया नया डालते रहें। कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन बच्चों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है गाइस, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि डाला करूँ डेली और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ। सो धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, वो टाइम पे ऐसे लगता था 50 सब्सक्राइबर हो जाएं वही बड़ी बात है, 50 से 100, 150, 200, 250 ऐसे लग रहा था कि इतना ही बहुत है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मुझे YouTube का ना एक भी क्राइटेरिया मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इसके प्रति इसका डेडिकेशन क्या है, कितना ज़्यादा ईमानदार रहना पड़ता है अपने काम को लेकर। जैसे हम डेली बेसिस पे अपना काम करते हैं, उसी तरीके से YouTube भी होता है। आपको इसको टाइम देना ही होता है, हमेशा नई नई चीज़ें लानी पड़ती है, एंड और भी बहुत सारे बातें हैं गाइस, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि वीडियो हो गया है बहुत ज़्यादा लंबा, 9 मिनट का वीडियो हो गया है। और मैंने बहुत ही प्यारा सा कॉर्ड सेट पहना है, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा कॉर्ड सेट है। और ये भी मैंने मीशो से ही चूड़ी मंगाई थी करवा चौथ पर, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला है ये वाला चूड़ी। लीजिएगा, मैं जो है जो भी मीशो से परचेज करती हूँ उसका बोलते ना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अच्छा रहता है तो ही रिव्यू शेयर करती हूँ।
सो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आए तो पीपी लिंक डीएम कुछ भी लिखेंगे आपको इनबॉक्स में उसका जो है लिंक मिल जाएगा। सो गाइस, ये बहुत ही प्यारा सा 3 कलर का मैंने मंगाया था, और भी बहुत सारे पार्सल आए हैं, वो भी मुझे अनबॉक्सिंग करना है और उसकी भी वीडियोज़ मुझे बनानी है। सो धीरे धीरे अब मैं जैसे जैसे फ्री हो रही हूँ वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूँगी और यूट्यूब पे भी शेयर करूँगी। तो इस तरीके से प्लीज़ मुझे, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए होंगे तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना, ज्योति सचिन 9956 मैं यहाँ पर लगा दूँगी। सो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए और बहुत सारा प्यार बांटिए लोगों में। थैंक यू गाइज, लॉट्स ऑफ लव।